तो हमने बोला उनसे एक बार गलती की है तो जॉब स्टार्ट कर दिया, दोबारा गलती की है तो इस बार कंपनी खड़ा कर दूंगा। और ये एग्जाम्पल है आज के डेट में हमारी कंपनी चल रही है जो आप सभी देख रहे हैं, और अच्छा व्यवसाय कर रही है, बेहतर कर रही है। और उसी कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे बहतर करें, उस लिए स्मार्ट इन्फो विजन में आए हैं कि शायद इनकी तकनीक को अपना के हम अपने बिजनेस को, अपने जीवन को और अच्छा बना पाएंगे। साथियों नमस्कार, इस समय मैं हूँ स्मार्ट इन्फो विजन। चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं कि मैं YouTube वीडियो के माध्यम से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, और शायद कुछ वीडियो जो आप देख रहे हैं, मेरा YouTube चैनल है जो आप लोग देख रहे हैं, ये YouTube चैनल है मेरा इंजीनियर सोसाइटी के नाम से, जिसमें 5.5 यानी व्यूअर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं हमारे। और मैं कोई यूट्यूबर हूँ नहीं, मैं बिल्कुल यूट्यूबर हूँ नहीं। अभी जो इसके ऑनर थे, और मैं कभी चाहता भी नहीं था कि ऐसा बिजनेस मैं करूँगा, सोचा भी नहीं था कि जिस बिजनेस में आया, तो खैर आज आया हूँ। यूट्यूब का वीडियो बना रहा था तो कुछ ये प्रोजेक्टर स्क्रीन पर मैं अपने क्लाइंटों को समझाता हूँ, तो मैं जा रहा था नेहरू प्लेस आज, तो उसमें नेहरू प्लेस जा रहा था तो कि लेने के लिए लड़के भी जा रहे थे, कुछ माइक ख़राब है, तो मैंने सोचा कि कैसे करूं, तो लड़कों से बात हुई, तो एकाएक मन में आया कि सुबह सुबह की बात है मैं एक स्मार्ट क्लासेस हमारे यहाँ चलाते, मैं चला गया उनका देखने के लिए। फिर लड़कों से आके बताया कि यार स्मार्ट क्लासेज वाला ये जैसे बोर्ड है ये लेना है मुझे, तो फिर वहाँ ना प्लान करके लड़के ने यूट्यूब पे चला दिया, तो इनका आ गया यूट्यूब पे ऑनलाइन, तो मैंने देखा और फिर ये हुआ मन में कि चलते हैं देखने के लिए। तत्काल हमने गूगल लोकेशन खोजा, भाई गूगल गुरु ऐसा है कि सब एड्रेस बताया था, लोकेशन खोजा, मैं चला आया इनके यहाँ आके देखा। फिर सर जो मिले तो उनसे काफ़ी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आप एक वीडियो बनाइए, एक्सपीरियंस लेके जाइए, तो ये चीज़ है, मैं उसके लिए दोबारा आया हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। अब ये स्पेशली आप लोगों के लिए भी बना रहा हूँ कि जिनको भी स्मार्ट क्लासेस अपना करना है या बनाना है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप यहाँ आइए, एक बार फील लेके जाइए और अपने स्मार्ट क्लासेस को आप बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। और बाकी ये चीज़ थी, और ये है कि देखिए, मैं तो हमेशा बोलते हैं कि जन्म न लेते अगर इस धरा पे, धरा ये बनी मसाना होती, ना मंदिरों में मृदंग बजते, ना मस्जिदों में अजान होती। भाई जीवन मिला एक एक दिन कम हो रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई 40 साल की उम्र हो चुकी है, 20 साल शेष बचा हुआ है, अब वो चाहे हंस के हम बिताएं या रो के बिताएं या किसी को रुला के बिताएं, ये डिपेंड आपके ऊपर है आप क्या करते हैं। तो आपके जीवन में तमाम रिश्ते हैं, और भौतिकवादी युग में अर्थ की ज़रूरत, भौतिकवादी युग में मतलब कि भौतिक संसाधनों की ज़रूरत है, उन संसाधनों के प्राप्ति के लिए अर्थ की ज़रूरत है, और उस अर्थ की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के लोग व्यवसाय, बिजनेस, ये सारा चीज़ करते हैं। उसमें मैं भी कर रहा हूँ, जो आप सभी अवगत है कि मैं प्लाटिंग कर रहा हूँ, उसी चीज़ को जो हम बनाते हैं वीडियो के माध्यम से लेके जाते हैं आप लोगों के बीच में, कि वो हमारा वीडियो कैसे और अच्छा हो। कुछ लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उन लोगों ने बोला कि अलग से यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करो आप, कि आप मोटिवेशनल बोलते हो, क्योंकि आपके जो लाइफ में रियल बीत रहा आप उस चीज़ों को बताते हैं। तो इसी के संबंध में मैं आया था, और सर जी ने बोला कि एक आप वीडियो बना के रियल डेमो देखिए, आप कैसा आपको फील आता है यहाँ पे बना के, किस तरह से लगता है। और कहते हैं ना कि जब आदमी रास्ते पे चल देता है तो ऑटोमेटिक रास्ते मिलते चले जाते हैं, लेकिन आप ना चलना तो सीखिए। जैसे बैंकिंग चटर्जी की एक पंक्ति है कि एकला चल, अगर तुझे विश्वास है कि तेरा रास्ता सही है तो ये मत देख कि पीछे चलने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बस तू आगे कदम बढ़ाते चल, पीछे चलने वालों की लाइन लग जाएगी। तो मैंने कदम आगे बढ़ाया था, मैंने कभी सोचा नहीं था, जैसे आज सर ने ही आज बोला है कि आप एक्सीडेंटल बिजनेसमैन हैं, ये बात एकदम 100% सही है। मैं गांव में रहता था, गांव छोड़ के आना नहीं चाहता था, और एक समाज सेवक बनना चाहता था,
लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा बनाया कि लोगों ने उठा के फेंका, क्योंकि वो मेरे वजह से परेशान रहते थे, गांव में परेशान रहते थे कि भाई कहीं पंचायत होती थी तो मैं वहां बैठ जाता था तो कहीं ना कहीं बातों को रख देता था और मेरे माध्यम से पंचायत सॉल्व हो जाती थी बहुत कम समय में। तो लोगों को ये फील होने लगा भाई तीन, जैसे गाँव में एक लैंग्वेज आती है कि 3 दिन का लड़का पंचायत कर रहा है भाई, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक 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 जलन की भावना होने लगी कि भाई इसके होते हमारा नहीं चल पा रहा। जैसे किसी का पासपोर्ट इंक्वायरी का होता था तो जाके थाने पर करा देते थे बिना पैसे का। तो एक जनसेवक बनना चाहता था लेकिन परिस्थितियों ने, चाहे लोगों ने उठा के फेंका, यहाँ नोएडा में आया 4 जनवरी 2007 में। तो ये था कि लोगों को चलो भाई अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी आया तो लोगों ने अब यहाँ आके चमक गया, जॉब मिल गई, जॉब अच्छा करने लगा। और एक बार दोबारा मैं जीवन में गया, चुनाव मैं लड़ा, तो एक बार तो मैं चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन मुझे लड़ने नहीं दिया गया और उठा के फेंके तो आके जाब स्टार्ट किया। दोबारा जाके चुनाव लड़ा तो कुछ मित्रों ने मुझे, पहली बार चुनाव जब लड़ा था तो बोले हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, कुछ धोखा हुआ था मेरे साथ में, कुछ गलत हुआ था जिसकी वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। तो कुछ मित्र बोले कि वो भी मतलब कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गए थे, उन लोगों को रियलाइज हुआ कि हम लोगों से गलती हो गई, हमें अशोक जी का साथ देना चाहिए था, तो उस समय अगर चुनाव लड़ता तो शायद मैं यहाँ नहीं रहता, मैं उधर ही रहता। तो अब सेकंड मैं ये देख रहा हूँ कि आगे मैं देख रहा हूँ कि दोबारा मैं जाके चुनाव लड़ा, किसी कारणवश वो परिस्थितियाँ क्रिएट हुई, मैं जाके चुनाव लड़ा। दोबारा 6 कैंडिडेट थे, मैं मेरा तीसरा पोजीशन आया, मैं चुनाव जीत नहीं पाया, वापस मैं ATS आके ज्वाइन कर लिया। फिर हमारे मित्रों ने बोला कि इस बार भी हम लोग से बहुत बड़ी गलती हुई, तो हमने बोला उनसे एक बार गलती की है तो जॉब स्टार्ट कर दिया, दोबारा गलती की है तो इस बार कंपनी खड़ा कर दूंगा। और एक एग्जाम्पल है आज के डेट में हमारी कंपनी चल रही है जो आप सभी देख रहे हैं, और अच्छा व्यवसाय कर रही है, बेहतर कर रही है, और उसी कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे बहतर करें, उस लिए स्मार्ट इन्फो विजन में आए हैं कि शायद इनकी तकनीक को अपना के हम अपने बिजनेस को, अपने जीवन को और अच्छा बना पाएंगे। बाकी आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि जो लोग ये नाम सुन रहे हैं और वो सभी अगर जो मुझसे परिचित है कमेंट में डालेंगे तो हम इनका एड्रेस डाल देंगे, आप या इनका अपना मोबाइल नंबर कोई हो तो बता दीजिए, मैं बोल दूँ लोग ये कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल हो जाएगा, चलिए नंबर स्क्रॉल हो जाएगा, वो चला जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा, आप आके यहाँ से इनकी सर्विस ले सकते हैं, इनके प्रोडक्ट ले सकते हैं। और इनके ऑनर हैं, उनसे मुलाकात हुई, बड़े अच्छे नाइस आदमी हैं, चंदन मिश्रा जी जीवन में सफल हैं। और बाकी ये सब बोलना था, और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।